करनाल सेक्टर 12 अदालत में हाईकोर्ट के जज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जज ए.के. त्यागी का करनाल अदालत में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान किया गया। इस दौरान ए.के. त्यागी ने कहा कि आज वह करनाल में सभी कोर्ट का निरीक्षण करने आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी के साथ बैठकर सुझाव लिए जाएंगे और अदालतों के कार्यों को कैसे बेहतर बनाया जाए और जल्द निपटारे हों इसके बारे में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये उनका रूटीन का दौरा है जिसमें सभी अदालतों के साथ तालमेल बना रहता है और उनके सुझाव जो सामने निकल कर आते हैं उनको लागू करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते अब सभी अदालतें खुल गई हैं, नियमित काम शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी सबके लिए जरूरी है। आज हम बड़ी कठिन परिस्थितियों में आज के दिन काम कर रहे हैं। कोरोना के बीमारी महामारी की वजह से बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। सभी लोग अपने तरफ से सभी सावधानी बरत रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जुडिशल ऑफिसर्स भी, लिटिगेंट्स भी, लॉयर्स भी सभी सावधानी बरतेंगे और साथ मिलकर बेहतरी के लिए पूरा काम करेंगे। सर, बार एसोसिएशन के जो प्रधान उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे? बिल्कुल, सभी से सुझाव। सर, अब रूटीन में कोर्टें खुलेंगे? अरे, कोर्ट्स ने रूटीन में पहले से काम करना शुरू कर दिया है। फिजिकल कोर्ट शुरू हो चुकी है, मगर हम सभी को ये भी बात समझनी चाहिए कि महामारी जो है अभी भी दूसरे चरण में या जो फिर दोबारा अपने पैर पसार रही है, तो हमें सावधानी के साथ काम करना होगा। करनाल में आए हैं किस पर्पज के लिए आए? क्या करनाल में? मैं आज न्यायालय में औपचारिक तौर पर तो कहते हैं निरीक्षण के लिए, मगर मैं इसको निरीक्षण नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बेहतरी के सुझाव और उनकी समस्या जानने के लिए आया हूँ कि कोई अगर किसी की समस्या है, कोई सुझाव है, तो उन पर काम किया जा सके, समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके और सुझावों पर अमल किया जा सके। थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।